हो गई, रिमाइंड चल रहा है। पहले वो जो जोक था, ठीक है, उस जोक में मैंने किसी भी, पहले तो मैं, आप ये सोचते हो कि सिर्फ मैं हिंदू देवी, नहीं, मेरा सबसे पहले वीडियो में सबसे पहला जोक टेररिज्म और इस्लाम पे, और सेकंड हर वीडियो में ट्रिपल तलाक पे जोक है, मेरा बुर्के पे जोक है, बराबर। बट मैं ये नहीं बोल रहा कि ये मुझे क्या, ये मुझे अलाउ करता है कि मैं आपके धर्म का मजाक उड़ा सकूं। आपने अल्लाह के ऊपर सर जस्ट लेट हिम स्पीक यार, उनको कहने दीजिए। आप उन्हें बोलने दीजिए, आप बोल रहे राम चंद्र गिव अ फक अबाउट, ये क्या है, ये भाषा क्या है भैया, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, ये आ रहा है घर पे गालियां, फोन नंबर लीक हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, सबसे बात कर रहा हूँ, बोल पर काम डाउन है, लॉकडाउन है, ये है वो है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ कर नहीं सकता। उसके बाद 8 दिन के बाद मैंने नॉर्मल से एक फोटो डाला जिसमें शायरी वायरी लिख के, और उसके 10 दिन के बाद मैंने एक वीडियो रिलीज किया, और उस वीडियो के रिलीज में शायर मिंडर, उस वीडियो के एंड में मैंने प्रॉपरली क्लेरिफिकेशन में डाला है कि मेरा काम मजाक उड़ाना किसी का है, मेरा लोगों को हंसाने का काम है, अगर मेरे जोक से किसी के धर्म को या किसी के आस्था को ठेस पहुंचती है तो मैं वो कभी नहीं चाहूंगा, मेरा काम है। और वो वीडियो 15 दिन बाद अपलोड मैंने किया है, और आपने उसका एंड नहीं देखा होगा। तो मैंने फर्स्ट, इन्होंने जो कहा कि इसके लिए इन्होंने कभी माफी नहीं मांगी, तो उसके लिए आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जाके वो वीडियो चेक कीजिए, उसके एंड में मैंने क्लेरिफिकेशन डाला है। सेकेंड चीज ये, जयपुर में जो शो कैंसिल हुआ वो कांग्रेस वालों ने या ये जिसने भी करा, वो अलग रीजन से कैंसिल हुआ, अलग रीजन से कैंसिल हुआ। मैं ट्रैवल करके जब 1,500 किलोमीटर जाता हूँ और मेरा शो कैंसिल होता है, वो पैंडेमिक में जयपुर की 1.5 लाख रुपए की इकोनॉमी इफेक्ट होगी, जो लोग बंद कराए उनका कुछ नहीं गया, मेरा भी कुछ नहीं गया, प्रोड्यूसर का 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मैंने सार्कास्टिक वे में वीडियो डाला कि इन लोगों ने मेरा शो कैंसिल करा दिया क्योंकि इनकी इनसे ज्यादा मेरी सीट है, ये जोक था, दिस इज नॉट जोक, मैंने ये सही है। और रही बात भगवान की, गोधरा के मजाक की, सर मेरा घर जला था 2002 में, जूनागढ़ में था, मेरा घर जला था, वो जोक मैं आपको एक बार रिपीट करके सुनाऊंगा, आपको अगर बुरा लगा तो मैं बहुत, नहीं बुरा लगा तो माफी मांग रहा हूं सर, आप एक बार सुन लीजिए। किसी को फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है, आप आज यहाँ वादा करिए कि इस तरह का कोई भी गंदा मजाक किसी के नहीं करेंगे। और सुनिए मैं आपको ठेस नहीं पहुंचेगी, और दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सबका फेथ अलग अलग होता है, सब इंसान होते हैं ना, उसका फेथ अलग अलग होता है। मेरे को पत्थर लगता है ना तो मैं ऐसे फेंकता हूँ, मेरी बहन को पत्थर लगता है तो गिर जाती है, वही बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ शो कैंसिल करने की बात कर रहे हो ना, हम कोई झगड़ा कर रही है, आपकी आस्था को जो ठेस लगी है ना वो सच में लगी है, इंटरनेट पे जो गाली देते ना उनको ठेस नहीं लगी है, वो फ्रस्ट्रेट है कि भाई लड़कियों के साथ घूम रहा है, बड़ी अच्छी लाइफ जी रहा है, इंटरनेट पे कम्युनिटी में जो गाली देते हैं वो छोड़ दिए, वो इंटरनेट, वही बोल रहा हूं मैं, इंटरनेट हिंदू नहीं हूं, पहली बात समझो आप। और सर आप वहां से अच्छे से बात कर रहे हैं, आपके लोग ये पीछे से गाली दे रहे हैं, कोई ना रिलैक्स, ठीक है छोड़ जाना,
ये बात कर रहे हैं, हम इनको देख रहे हैं, हम इनको देख रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। किसका मजाक? सर मैं ये कह रहा हूँ ना सर, सर सर भाई धंधा दे रहा हूँ, आप कुछ भी करोगे वो बर्दाश्त नहीं करेगा। आप जो कर रहे हो चलेगा, अरे मुनावर भाई को पता है कैसे हैंडल करना, कर लें दो मिनट, कर लें दो फिर हो जाएगा सब। सर एक मिनट सुनिए मेरी बात, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। Thank you.
बोल रहे इधर जगह ने भैया मास्क ऑन करो फोटो भी तो संदीप यही ना अरे तुम और आगे घुस जाओ यार फोटो ले लेंगे भाई लगा लो हाथ पर ज्यादा ऊपर मत चलना देखिए 56 दुकान पे एक बिल्डिंग में थर्ड फ्लोर पे कैफे है कैफे मुनरो करके वहाँ एक इवेंट ऑर्गेनाइज की गई थी जिसकी जानकारी हमको बहुत पहले से थी और उसमें एक स्टैंड अप कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी करके वो सीरियल ऑफेंडर है वो पहले भी हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर चुका है गोधरा कांड में जो कारसेवक जलकर मारे गए थे उनके ऊपर भी अभद्र टिप्पणी की है उसने उनका भी मजाक बनाया था और इस तरह के वो लगातार शोज़ में करता रहता जयपुर में भी उसका एक शो कैंसिल हुआ था तो आज जब हमको जानकारी मिली थी तो मैं और कुछ कार्यकर्ता हम लोग उस शो का टिकट खरीद के हम उस शो में पहुंचे थे और जो हम सोच कर कर रहे थे वही सब चीज़ें वहाँ हो रही थी वहाँ हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जा रहा था वहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और गोधरा कांड का जिक्र किया उनका नाम उसमें विवेचना घसीटा गया और इस तरह की तमाम चीज़ें वहाँ चल रही थी हमने उसका वीडियो भी बनाया है उसके सारे हमारे पास एविडेंस है और वहाँ पर फिर हमने शो रुकवा करके सारी ऑडियंस को बाहर निकाल करके और वो जो भी ऑर्गेनाइज़र थे और जो कॉमेडियन थे उनको पकड़ करके हम थाने ले आए किस तरह की शिकायत की गई है अब क्या करेंगे क्या कार्रवाई क्या कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई नॉन अवेलेबल इनके खिलाफ होना चाहिए कार्रवाई और ये जेल जाएंगे जितने भी लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे एक तो बिना परमिशन कार्यक्रम चल रहा था वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा था छोटे से हॉल में कम से कम 100 लोग बिठा रखे थे उन्होंने और ये सब अभद्र टिप्पणियाँ देवी देवताओं के ऊपर चल रही थी वहाँ पे तो हमने तुरंत बीच में शो रुकवा करके और जो तीन इसमें स्टैंड अप कॉमेडियन थे उनको पकड़ा है और एक दो ऑर्गेनाइज़र हैं और कैफे संचालक के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे इसमें सीरियल ऑफेंडर है इसके आप इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाएंगे या यूट्यूब वगैरह पर देखेंगे तो पहले भी कर चुका है ये और इसको कोई अफसोस भी नहीं है बहुत बेशर्मी के साथ ये करता है ये सब चीज़ें तो आज इसके कार्यक्रम की जानकारी लगी थी तो हमने फिर योजनापूर्वक इसको पकड़ा है वहाँ से ये शायद गुजरात का है रहने वाला ये 56 दुकान में एक मुनरो कैफे है जिसके मालिक हैं मुक्तांश जैन ये और विजय और प्रखर व्यास तीन चार लोग मिलके और उसमें एक नाम आया है जिसका मुनव्वर ये सब वहाँ पर एक कैफे वो कर रहे थे कॉमेडी शो हो रहा था तो इनका आपत्ति ये है कि एक तो अनुमति नहीं ली गई थी 18 साल से कम के बच्चे भी उसमें थे और कुछ विशेष समाज के जो देवी देवताओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई थी जिसका हम वीडियो देख के परीक्षण कर रहे हैं कि क्या उसमें बच्चे भी नाबालिग थे तो उसमें थे और क्या टिप्पणी की गई उस पर हम आवेदन लेके और उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे अभी उसका परीक्षण वीडियो का परीक्षण किया जा रहा है।